हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली और स्वागत है आपका कुक विद वैशाली में। और आज हम बनाएंगे पनीर लबाबदार। खाने में टेस्टी, बनाने में आसान सी ये रेसिपी। अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये शाही पनीर लबाबदार अगर सीखना है तो इस रेसिपी को एंड तक जरूर देखिए। पनीर लबाबदार बनाने के लिए उसका मसाला हम पहले बनाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए एक बड़ी प्याज, 10-12 लहसुन की कली, अदरक 1 से 1.5 इंच, एक बड़ा टमाटर, 7-8 काजू, कुछ मगज के बीज, थोड़ी धनिया पाउडर और ज़ीरा। पैन जब गर्म हो जाए उसमें हम डालेंगे प्योर घी, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है क्योंकि हमें मसाले को भून लेना है। अब हम डालेंगे ये सारी चीजें जो हमने काट के रखी थी। इन चीजों को हमें अच्छे से इसमें भून लेना है। अब ये अच्छे से सॉटे हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे काजू और मगज के बीज, इसको भी हल्का भूरा भून लेंगे। ये भून के रेडी हो चुका है। अब हम इसको मिक्सी के जार में फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब इस जार में हम ये जीरा और धनिया पाउडर डाल देंगे। मसाला पीस के रेडी हो चुका है, पेस्ट आप देख सकते हैं। कढ़ाई में मैं थोड़ा घी डालूंगी क्योंकि ये शाही डिश है तो घी में ही बनेगी। एक बड़ा चम्मच मैंने घी ले लिया है, इसमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब घी हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे पेस्ट। जब तक ग्रेवी हमारी भून के रेडी नहीं होती तब तक हम पनीर के पीसेस को कट कर लेंगे। अब हम पैन में पनीर के पीसेस को थोड़ा हल्का भूरा होने तक तल लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच घी, अब हम इसमें पनीर के पीसेस को डाल देंगे। आप देख सकते हैं पनीर के पीसेस गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब गैस को कर देंगे बंद। पनीर तल के रेडी है, मसाला भी अब हमारा भून चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच देगी मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इन मसालों को अच्छे से भून लेना है। अब हम डालेंगे इसमें नमक, अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी, अब इस ग्रेवी को पकने देंगे। अब हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे इसमें। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसको मैं हाथ से थोड़ा मसल के इसमें डालूंगी ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मेथी का। अब ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पनीर को। मिक्स कर लेंगे
और 2-3 मिनट के लिए ग्रेवी में पनीर को पकने देंगे ताकि पनीर सारे मसालों का फ्लेवर एब्सॉर्ब कर सके। तब तक हम पैन में जो बचा हुआ घी है जिसमें हमने पनीर तला था उसमें थोड़े से लहसुन के टुकड़ों को तलेंगे। ये तड़का जब तक हम पनीर लबाबदार में नहीं डालेंगे इसका स्वाद बढ़ेगा नहीं। तो ये देखिए अब ये हल्के सौते हो चुके हैं, तो मैं इसको डाल दूंगी ग्रेवी के ऊपर। आप देखिए ग्रेवी को, ये हमारा रेडी है पनीर लबाबदार सर्व करने के लिए। फ्रेंड्स रेडी है हमारी पनीर लबाबदार, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगली बार फिर से मिलूंगी मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।